दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रॉफी लेकर रोहित शर्मा बारबाडोस से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही लगाया जमकर ठुमके। जश्न में रोहित शर्मा ने खूब किया भांगड़ा, जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। रोकने से भी नहीं रुके रोहित शर्मा का ये भांगड़ा डांस। तो आखिर रोहित शर्मा का डांस देखकर कैसा था उनकी पत्नी रितिका का रिएक्शन? कैसे रोहित ने जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल? रोहित शर्मा के डांस करने के साथ साथ टीम इंडिया का स्वागत हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चमचमाती हुई T20 विश्व कप की ट्रॉफी जब रोहित एंड कंपनी ने लेकर दिल्ली में किया लैंड, तो पूरे देश में मानो एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल छा गया। और हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। 29 जून को इतिहास रचने के बाद आज यानी 4 जुलाई को रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने देश में कदम रख दिया है। दिल्ली में आते ही भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के शोर से जश्न का नजारा अलग ही था। और ऐसे में इस ढोल नगाड़े का भरपूर फायदा भारतीय टीम ने भी उठाया। हर कोई ये भव्य स्वागत देखकर हैरान हो गया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से दंग थे, और वो इस शुभ मौके पर कहां पीछे रहने वाले थे। जिसके बाद तो रोहित शर्मा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो पंजाबी भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही साथ रोहित शर्मा का ये अंदाज देखकर उनके पत्नी रितिका सजदे की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर रोहित इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं। रोहित शर्मा ने भांगड़ा की हर धुन पर जबरदस्त अंदाज में ठुमके लगाए। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं आंखें भी नम दिखाई दे रही थी। लेकिन ये जीत के जश्न के आंसू थे जो हर भारतीय नागरिक की आंखों में देखा जा सकता है। आपको बता दें, जैसे ही ढोल की आवाज कप्तान रोहित के गानों में पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक हाथ से अपने बैग को पकड़े रखा, लेकिन दूसरे हाथ को हवा में उठाते हुए ठुमके लगाने लगे। रोहित के पैर भी ढोल के ताल से ताल मिला रहे थे। रोहित और भी डांस करना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें होटल में चलने को कह देते हैं। और अब रोहित शर्मा का ये 26 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बवाल काट रहा है, और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। हर कोई अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है। वहीं रितिका भी अपने पति रोहित के डांस से काफी खुश थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में किस खिलाड़ी का भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वेस्ट इंडीज से चैंपियन बनकर भारतीय सरजमी पर वापस लौटी अभी अभी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराकर T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। इसके बाद अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की धरती से चैंपियन बनने के बाद अभी अभी भारतीय जमीन पर आ पहुंची है। तो आखिरकार भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद कितने बजे और किस तरीके से शानदार अंदाज में भारतीय सरजमी पर लौटी है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में अब भारतीय टीम के साथ भारत की धरती पर क्या क्या पूरा होने वाला है, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार भारतीय टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद अगली बार भारतीय टीम कब चैंपियन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच के अंदर भारतीय टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल में हराकर 7 रन से जीत दर्ज की, और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया, और 13 साल के बाद आखिरकार भारत की जमीन पर वर्ल्ड कप लाने का कार्य किया है। हालांकि भारतीय टीम ने तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफी ज्यादा जश्न बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस बीच भारतीय टीम के रात में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे भारत में लगातार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की धरती पर बैरल तूफान के आने के कारण फंस गई थी, जिसके कारण भारतीय टीम के खिलाड़ी और समस्त अधिकारी भारत आने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय टीम के वापस आने को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, इस समय बारबाडोस में बैरल नाम का तूफान तेजी से अपने पास आ रहा है, जिसके चलते पूरे बारबाडोस देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। पिछले 12 घंटे से बिजली और पानी की समस्या पूरे देश में दिखाई दे रही है। इतने नहीं, बारबाडोस के राष्ट्रपति ने पूरे देश में रह रहे 3 लाख लोगों के साथ, मैच देखने के लिए आए दर्शक, पत्रकार, मीडिया के लोगों के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी और समस्त क्रिकेट अधिकारियों को अपने होटल से बाहर निकलने की चेतावनी दी है।
क्योंकि ये तूफान 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे बारबाडोस में तबाही मचा रहा है। इस वजह से ब्रिजटाउन का एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कोई भी देश इससे बाहर नहीं जा पा रहा है। यही कारण है कि भारतीय टीम अभी तक 4 दिन होने के बाद भी अपने देश वापस नहीं लौट पाई है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के वतन वापसी को लेकर अब अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल बीसीसीआई ने प्राइवेट प्लेन के जरिए खिलाड़ियों और अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया था, लेकिन एयरपोर्ट पिछले कुछ दिनों से बंद था। लेकिन अब स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई के सभी अधिकारी को भारतीय सरजमी पर वापस लाने के लिए प्लेन भेज दिया गया, जो बुधवार को सुबह बारबाडोस में लैंड कर चुका है। ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ी और समस्त अधिकारी प्लेन में बैठकर बुधवार की देर रात को भारत वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनको आने में 15 से 18 घंटे लग सकते हैं। जहां पर भारत वापस आने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जहां पर वो भारतीय टीम को गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। और इसके बाद में भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से सम्मान रोड शो के जरिए दिलाया जाएगा, जो मुंबई या दिल्ली में आयोजित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के साथ अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम के विश्व कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ ने कोच पद से संन्यास का किया ऐलान। भारतीय टीम के नए कोच को लेकर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम को मिली जीत के साथ इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कोच रहे राहुल द्रविड़ ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उन्होंने संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के नए भारतीय कोच को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार राहुल द्रविड़ ने संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के नए कोच को लेकर क्या बयान सामने आए हैं, यह तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनने का मौका मिला है, जिसके बाद अब भारतीय टीम चौथी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम के चैंपियन बने जाने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ खिलाड़ी T20 में दिखाई नहीं देंगे, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने तो T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। साथ में भारतीय टीम के विश्व कप विजेता कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के बाद खुद राहुल द्रविड़ ने नए कोच को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें भारतीय टीम के विश्व कप विजेता कोच राहुल द्रविड़ ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस बार T20 विश्व कप जीतना मेरे लिए एक सपने के समान था, जो कि आज पूरा हो गया है, क्योंकि हमारी टीम ने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर तो बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार भी हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया के सामने डोमिनेंट परफॉर्मेंस किया, और इस बार हमारी टीम के अंदर पूरी तरीके से डोमिनेंट करने के लिए मैदान पर उतरी है, जो हमारी टीम ने आखिरकार दिखा दिया है। ऐसे में भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि बतौर खिलाड़ी मैं वर्ल्ड कप जीतने में नाकामयाब रहा था, लेकिन भारतीय टीम के कोच के तौर पर मैं वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब हो गया हूं। मुझे इसकी काफी ज्यादा खुशी हो रही है। आज भारतीय टीम के T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के पीछे भारतीय खिलाड़ियों के साथ टीम से जुड़े सभी अधिकारी और स्टाफ का भी कमाल रहा है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन जाने के बाद अब मेरा कोच पद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब हमारी टीम को आने वाले समय में नए कप्तान और नए कोच के साथ मैदान पर उतरना है। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाने के बाद अब मेरी जगह पर नई कोच की नियुक्ति कुछ दिन के बाद होने वाली है। मुझे मालूम है कि भारतीय टीम के लिए नई कोच के तौर पर किन खिलाड़ियों पर मुहर लगानी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर भारत को इसी तरीके से आगे भी T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप के साथ चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है, तो उसके लिए दो दिग्गज खिलाड़ियों पर दावा खेलना पड़ सकता है, जिसमें गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी का नाम बड़ा नाम है, क्योंकि इन दोनों के पास में खिलाड़ियों के देखरेख करने की काबिलियत मौजूद है और दोनों खिलाड़ी बेहतरीन रणनीति भी बनाते हैं, जिसके चलते भारत और भी ज्यादा सफल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम को नया कोच कौन होना चाहिए? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट जगत में मच गया बड़ा बवाल। सूर्य कुमार यादव की बेईमानी के चलते फाइनल में जीता हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी तो जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के बेईमानी के चलते चैंपियन बनने का आरोप लगा है, जहां पर सूर्य कुमार यादव को बेईमान खिलाड़ी बताया जा रहा है। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने मात्र 7 रन से रोमांचक तरीके से जीत दर्ज करते हुए साउथ अफ्रीका को पहली बार चैंपियन बनने से रोक दिया और खुद चौथी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए। हालांकि बारबाडोस के मैदान पर भारतीय टीम की जीत के बाद पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में जश्न का माहौल बना हुआ है।
तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम की हार के बाद एक नया बवाल पैदा हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम की फाइनल में जीत को सोशल मीडिया पर बेईमानी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम को जिस प्रकार से जीत दर्ज करते हुए चैंपियन बनने का मौका मिला है, उसके पीछे सूर्य कुमार यादव की मैच के अंदर सरेआम बेईमानी है, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी खिलाड़ी भी इस बात को लेकर हैरान रह गए और उसका खंडन करते हुए बड़ा खुलासा करते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल भारतीय टीम को बेईमानी के चलते चैंपियन कहने वाले बातों को सूर्य कुमार यादव के साथ पूरी भारतीय टीम ने निराधार बताया है।